हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या आपको सीवियर थंब पेन होता है? थंब में यहां पर बहुत ही ज्यादा सूजन आ जाती है, आप अपने थंब को इस तरीके से बैंड नहीं कर पाते हो और ग्रिपिंग वाली एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहां पर हम ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको सिखाने वाले हैं कि जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। हमारा जो थंब होता है उनको एक्सटेंड करने वाले यहाँ पर इस तरीके से दो मसल के टेंडन होते हैं। यह दो टेंडन यहाँ पर एक उभरी हुई हड्डी होती है जिनको रेडियल स्टाइलोड प्रोसेस बोला जाता है। यह इस तरीके से प्रोमिनेंट होती है, इनके ऊपर से यह दोनों टेंडन पास होते हैं। जिनका काम ग्रिपिंग एक्टिविटी वाला ज़्यादा होता है वह लोगों में यह टेंडन को बार बार यह बोन के ऊपर से पास होना पड़ता है। इनकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होता है और फिर ये टेंडन के जो कवर होते हैं जिनको टीनोसाइनोवियम बोला जाता है वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, यहाँ पर आपको सूजन आती है, दर्द होता है, आप अपने थंब की मूवमेंट नहीं कर पाते हो, इसलिए इनको टीनोसाइनोवाइटिस बोला जाता है। और यह कंडीशन को डी क्वेरवेन नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, इसीलिए इनको डी क्वेरन टीनोसाइनोवाइटिस बोला जाता है। यह कंडीशन खास करके महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है और जिनको डायबिटीज होता है वह लोगों में इनका हीलिंग होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको सिखाने वाले इनके जरिए आप ये इन्फ्लेमेशन को दूर कर सकते हो। यहाँ पर जो सूजन है, जो दर्द हो रहा है उनको दूर करके आप यह कंडीशन में बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो ये सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को डिटेल में जान लेते हैं, इनका लोकेशन, किस तरीके से इनको दबाना है और यहाँ पर कैसे आप सीड एप्लीकेशन करके फायदा ले सकते हो, वह सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह इस जगह पर मिलता है। यह पॉइंट का नाम है LI5 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का 5 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। इनको लोकेट करना बहुत ही आसान है। आप थंब को इस तरीके से एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से दो टेंडन उभर के आते। यह दो टेंडन के बीच में जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है वह डिप्रेशन पर हमारा यह पॉइंट मिलता है। फिर से जान लेते हैं, थंब को इस तरीके से एक्सटेंड करिए तो दो टेंडन उभर के आएंगे, इनके बीच में जो खड्डा है वहाँ पर हमारा यह LI5 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। इनके बाद का दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, यह पॉइंट का नाम है LU9 यानी कि लंग मेडियन का 9 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारी रिस्ट की आगे की सरफेस पर यहाँ पर रिस्ट लाइन होती है। यह रिस्ट लाइन के दो एंड होते हैं, एक एंड लिटिल फिंगर साइड होता है और दूसरा एंड हमारे थंब साइड होता है। तो यह थंब साइड का जो एंड है वहाँ पर हमारा यह LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। फिर से जान लेते हैं, रिस्ट की आगे की सरफेस पर यह एंटीरियर रिस्ट लाइन है, इनका जो थंब साइड का एंड है वहाँ पर हमें यह LU9 पॉइंट मिलता है। इनके बाद का तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, यह पॉइंट का नाम है LU7 यानी कि लंग मेडियन का 7 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। जो LU9 पॉइंट है यह पॉइंट से 1.5 चून प्रॉक्सिमल 1.5 चून यानी कि दो फिंगर आपको ऊपर आना है, तो यहाँ पर हमें यह LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। LU9 पॉइंट से दो फिंगर ऊपर आना है तो यहाँ पर हमें यह LU7 पॉइंट मिलता है। इनके बाद का फोर्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, यह पॉइंट का नाम है LU10 लंग मेडियन का 10 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। थंब को इस तरीके से आप बेंड करोगे तो यहाँ पर एक जॉइंट बन रहा है, यह जॉइंट और हमारा जो LU9 पॉइंट है यह दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट और ऊपर की जो व्हाइट और पीछे की जो डार्क सरफेस है इनका जो जंक्शन है यहाँ पर हमें यह LU10 एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। इनके बाद का पांचवा और आखिरी पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है इनका जो लास्ट जॉइंट है, यह जॉइंट का जो लाइन है यह लाइन का थंब साइड का जो एंड है यहाँ पर हमारा यह पॉइंट मिलता है। इंडेक्स फिंगर इनका लास्ट जॉइंट है, इनकी जो लाइन है इनका थंब साइड का एंड हमारा फिफ्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर यह चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट ट्रेडिशनल एक्यूप्रेशर पॉइंट है और यह वाला पॉइंट हमारा सुजोक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। फिर से सभी पॉइंट को रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट LI5 इस तरीके से थंब को एक्सटेंड करिए, दो टेंडन जो बन रहे इनका मिडल पॉइंट। इनके बाद का दूसरा पॉइंट
जो आगे की रिच लाइन है इनका थंब साइड का एंड LU 9 पॉइंट, यह LU 9 से दो फिंगर ऊपर यहाँ पर LU 7 पॉइंट मिलता है। थंब को इस तरीके से बेंड करते हो तो यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है यह जॉइंट और जो LU 9 पॉइंट है इनका मिडल पॉइंट, ऊपर की लाइट और पीछे की जो डार्क सरफेस है इनके जंक्शन पर हमारा यह LU 10 पॉइंट हम मिलता है। इंडेक्स फिंगर इनका लास्ट जॉइंट, इनकी जो लाइन है इनका थंब साइड का एंड, यहाँ पर हमारा यह सुजोक एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। अगर आपको लेफ्ट साइड पेन है तो यह सभी पॉइंट को लेफ्ट साइड दबाना, अगर राइट साइड पेन है तो सभी पॉइंट को हमें राइट साइड पर दबाना है। यहाँ पर यह सभी पॉइंट को लोकेट करने के बाद इनके ऊपर हमें एक्यूप्रेशर देना है। इस तरीके का आप टूल इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यह टूल नहीं है तो आप पेन का इस्तेमाल करके भी यह सभी पॉइंट को दबा सकते हो। इनके ऊपर हमें कम से कम 2 मिनट के लिए दबाव देना है। हल्का हल्का दर्द होना चाहिए, इतना प्रेशर देना है। सभी पॉइंट को हमें अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। इनके बाद फिर हमें यहाँ पर सीड एप्लीकेशन करना है। सीड क्यों लगाने, सीड में हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में हमें हेल्प करते हैं, इसीलिए हमें सीड खास अप्लाई करने। यहाँ पर जो यह हमारा पॉइंट है वह थोड़े बड़ी साइज़ के, इसलिए यहाँ पर हमें बड़ी साइज़ के सीड इस्तेमाल करना है। और जो यह वाला पॉइंट है वह हमारा स्मॉल साइज़ का है, इसीलिए यहाँ पर हमें स्मॉल साइज़ के सीड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं मूंग का दाना लूँगा और यहाँ पर मैं मटर का दाना इस्तेमाल करूँगा। तो किस तरीके से लगाना है जान लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर एक मटर के दाने को इस तरीके से लगा देना है। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर यह दाने को लगा देना है। इनको अच्छी तरीके से लगाना है। यहाँ पर मैं आपको टेम्पररी लगा के दिखा रहा हूँ, घर पे लगाए तो इनके ऊपर आप दूसरी टेप भी क्रॉस में लगा सकते हो। इसी तरीके से हमारे सभी पॉइंट पर यह दानों को लगा देना है। इस तरीके से हमारा जो यह लास्ट पॉइंट है वहाँ पर हमें मूंग का दाना लगाना, क्योंकि हमारा यह पॉइंट स्मॉल साइज का है, इसीलिए पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर एक मूंग का दाना लेना है। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वहाँ पर यह सीड को इस तरीके से लगा देना है। रात को यह सीड को अप्लाई कर दीजिए, मॉर्निंग में यह सभी टेप को निकाल देना है। दूसरी बार जब ट्रीटमेंट करो तब आपको नए सीड इस्तेमाल करना है, क्योंकि सीड की जो हीलिंग एनर्जी होती है हमारा जो डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है, इसलिए फिर यह सेम सीड हमारे कोई काम के नहीं रहते, दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। तो यह सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा के आप यह डी क्वेरेंटिनोसाइनोवाइटिस यानी कि थंब पेन में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।